कार्रवाई से बचने के लिए तस्कर अक्सर नया तरीका ढूंढ निकालते हैं। दूध के वाहन में तंबाकू तस्करी देख पुलिस भी हैरान रह गई। सोमवार को जरीपटका पुलिस ने CMPDI रोड पर पुलिया के पास छापा मारा। तलाशी के दौरान दूध के वाहन में तंबाकू की 2 दर्जन बोरियां मिली। व्यापारी समेत 3 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। दूध लाने ले जाने के लिए एक वाहन का जिम्मा दिया गया था। इस वाहन पर दूध गंगा लिखा हुआ है। सोमवार की दोपहर जरीपटका थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दूध की आड़ में इस वाहन से प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू की तस्करी की जाती है। पुलिस ने जाल बिछाया और बरामद नंबर के वाहन को देखते ही जरीपटका क्षेत्र के ही CMPDI रोड पर पुलिया के पास छापा मारा। वाहन चालक विजय तांडेकर नरसाला निवासी को दबोच लिया गया। तलाशी के दौरान दूध के कैरेट के नीचे छुपा कर रखे प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू की 25 बोरी मिली। जरीपटका थाने के वरिष्ठ निरीक्षक वैभव जागव ने बताया है कि प्रतिबंधित तंबाकू की तस्करी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से नागपुर में हो रही थी। यह माल फारक शेख ऑटो वाला नामक व्यक्ति ने विजय ट्रेडर्स के संचालक विजय जेठानी जयपटका निवासी को भेजा था। चालक विजय को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 8,85,000, 15 लाख रुपए का वाहन और 85,000 रुपए के कैरेट जब्त किए हैं। सूचना अन्य और औषधि विभाग को भी दी गई है। टाटा 710MH40CD2689 इस वाहन से प्रतिबंधित तंबाकू गुटखा आ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन से हमारे DB के पथक PSI देवकते जो DB के अधिकारी हैं उन्होंने एक जगह पे थोड़ा वॉच रख के सदर वाहन को उनके ताबे में लिया। उसके बाद पुलिस स्टेशन में लाके पंच और इन सब के सामने वेरिफिकेशन किया। वो गाड़ी में 25 बोरे थे और उसमें प्रतिबंधित तंबाकू गुटखा ये था। उसके बाद फूड अन्न सुरक्षा अधिकारी अन्ना हमें इनसे कांटेक्ट करके हमने आगे की कार्रवाई आज किया है। ये वाहन में टोटल 25 बोरे है, 8,85,000 का प्रतिबंधित गुटखा तंबाकू ये मिला है और ये गाड़ी की कीमत 15 लाख रुपये और वो जो कैरेट थे वो कैरेट की कीमत 85,000 है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।